डियर स्टूडेंट अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिट्रिक स्पेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें ये क्लेम किया गया है कि अगर कोई भी आपके पास नॉन एम सेट है और अगर उसमें आप इस तरह एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें उनके पॉइंट्स के इन बिटवीन तो आप उसको एक मिट्रिक्स स्पेस का स्ट्रक्चर दे सकते हैं तो देखें यहाँ पर यह बहुत सिंपल सा आइडिया है कि अगर कोई सेट है उनके पॉइंट्स अगर कोइंसिडेंट हैं इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस जीरो होगा वो तो कॉमन सेंस की बात है और अगर अगर अब हम कह रहे हैं कि अगर वो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो वो हमेशा यूनिट डिस्टेंस पर होंगे पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे जो भी दो डिफरेंट पॉइंट उस मेट्रिक स्पेस के होंगे हमेशा वो यूनिट डिस्टेंस पर ही होंगे और अगर वो कोइंसिडेंट है तो जीरो डिस्टेंस होगा तो ये हमने इसको प्रूव करना है तो देखें जो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करनी है वो इसमें खुद बहुत आ रही हैं पहली प्रॉपर्टी है जी आपके पास एम वन वो क्या है जी के मिट्रिक स्पेस नॉन नेगेटिव होनी चाहिए तो आपने देखा है जी के डी नॉट ऑफ एक्स वाई ये क्या है जी जीरो है इफ क्या है जी एक्स इज इक्वल टू वाई और इसी तरह अगर क्या है जी आपके पास डी नॉट ऑफ एक्स वाई वो वन है अगर कह जी के पॉइंट्स डिफरेंट है ये तो हमें बाय डेफिनेशन गिवन है वेल well, आप इनको कंबाइन कर दें कंबाइन करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एड क्या जाएगा जी डी नॉट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मीन के नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गई ऑल दो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट नॉन नेगेटिविटी है कि वो वन ही होगा लेकिन ओवरऑल ये नॉन नेगेटिव हो गया मीन ग्रेटर देन जीरो है या जीरो है या उससे ग्रेटर है तो इट मीन्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नॉन नेगेटिविटी की प्रूफ हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी है जी और तो ये है कि अगर हमने इस मिट्रिक को डिफाइंड uh, फंक्शन को जीरो लेते हैं हम डी ऑफ एक्स वाई जी अगर ये इक्वल टू जीरो है तो खुद ब खुद ये डिफाइन है एक्स और वाई इक्वल होंगे ये भी बाय डेफिनेशन है वेल well, ये है और कन्वर्सली भी आप कह सकते हैं कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाइज डेट डी नॉट ऑफ एक्स वाई जीरो है तो ये तो दोनों चीजें बाय डेफिनेशन है तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई थर्ड प्रॉपर्टी है जी कि वो भी सिंपल सी बात है कि अगर आप एक्स वाई का डिस्टेंस वो वाई एक्स के इक्वल होगा तो देखें जी दो केसेस यहाँ पे बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं कि के जीरो इक्वल और अनइक्वल के लिए तो देखें हम कहते हैं कि इस वन में एक्स इज इक्वल टू वाई है तो दिस इम्प्लाइज डैड के बाई डेफिनेशन डी नॉट ऑफ एक्स वाई क्या होगा वो ज़ीरो होगा अगर ज़ीरो है तो वो डी नॉट ऑफ वाई एक्स के भी इक्वल हो जाएगा जब जीरो है तो एक्स वाई का डिस्टेंस या वाई एक्स का डिस्टेंस बहुत ही सेल्फ एविडेंट सी बात है कि वो इक्वल होंगे केस टू अब हम कह देते हैं जी केस टू क्या है कि इफ़ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई अब नॉट इक्वल टू वाई है तो डेफिनेशन ये कह रही है जी कि उनके इन बिटवीन डिस्टेंस यूनिट होगा वन होगा और वन डिस्टेंस एक्स का वाई से है तो वाई का भी डेफिनेटली वो एक्स से होगा तो इन दोनों को कंबाइन करें तो देर फोर के डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी नॉट ऑफ वाई एक्स ये दोनों केसेस को कंबाइन करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ तो थर्ड प्रॉपर्टी सिमेट्री की भी प्रूफ हो गई लास्ट नॉट लीस्ट जो आपकी है फोर्थ प्रॉपर्टी किसकी है जी के ट्रायंगुलर इनक्वालिटी ट्रायंगुलर इनक्वालिटी क्या कहती है नॉट तो ये ट्राइंगर इनइक्वालिटी का रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो देखें यहां पर अब तीन पॉइंट गए हैं तो दो पॉइंट्स के लिए भी ये केस था अब थ्री पॉइंट्स के लिए भी ये केस होगा तीन पॉइंट्स हैं जी आपके पास कौन से हैं जी आप कहते हैं कि x, y और z ये रियल नंबर सॉरी सो, सो यहाँ पर रियल नंबर नहीं है बल्कि सेट x है कोई ऑर्बिटरी सेट नॉन एम सेट है नॉन एम सेट है उसको बिलोंग कर रहे हैं तो अब देखें वही बात कॉमन सेंस की है कि जैसे यहाँ पर दो केसेस के लिए दो पॉइंट्स इक्वल होंगे या नॉन इक्वल होंगे थ्री पॉइंट्स के लिए भी कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया बना सकते हैं हम देखें जी कौन से केसेस बन सकते हैं कि इधर एक्स वाई जी ये सब इक्वल हो जाएं या इनमें से दो इक्वल हो जाएं और तीसरा इक्वल ना हो और या फिर तीनों इक्वल अन एकवल हो सकते हैं देखिए इसमें एक और भी केस बन सकता है कि x इज इक्वल टू बाई बट नॉट इक्वल टू z ठीक है तो ये चार केसेस बनते हैं किसी को भी डिस्कस कर लें वन बाई वन तो कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल वही रिजल्ट आपको देखेंगे कि मिल जाएगा देखें जी कि इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी अगर ये होगा तो इट मीन्स के डी ऑफ एक्स वाई और डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ जेड एक्स एक्स वाई एक्सड और जेड एक्स ये सब जीरो होंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर इनवालिटी प्रूफ करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए कि डी ऑफ एक्स वाई शुड लेस देन और इक्वल टू डी नॉट ऑफ एक्सड प्लस डी नॉट ऑफ जेड वाई ठीक है तो ये डी नॉट है देखें जी यहाँ पर जीरो ये भी ज़ीरो ये भी जीरो इस केस में और प्लस जीरो तो यहाँ पर ये इक्वल का केस तो बन रहा है अभी लेस देन का किस में बनेगा वो हम आगे देखते हैं इसी तरह जी आप इसका केस टू देख लेते हैं हम कि इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड तो देखें जी यहाँ से दिस इम्प्लाइज एट इसको ज़रा नंबर वन कह दें अपनी आसानी के लिए डी नॉट ऑफ एक्स वाई ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इक्वल है और इसी तरह डी नाट ऑफ वाई जेड ये इक्वल टू तो वन हो जाएगा देखें अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि अगर एक्स इज इक्ल टू वाई और वाई नॉट इक्वल टू जेड है क्योंकि एक्स और वाई इक्वल हैं तो डेफिनेटली एक्स और जेड भी इक्वल नहीं होंगे तो ये आपकी एक इम्प्लीकेशन थी तो d नॉट ऑफ एक्स जेड जो उन होगा वो भी इक्वल टू वन होगा देखें जी आपकी अब ट्राइंगर इनक्वालिटी क्या बन गई है एफर वन इम्प्लाइज डी ऑफ नोट डी नोट एक्स वाई ये जीरो है और जीरो और डी नोट ऑफ एक्स जेड ये वन है प्लस ये डी ऑफ जेड वाई वो भी वन है तो चूंकि लेस देन और इक्वल टू तो देखें यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा इक्वल टू नहीं आएगा तो ये एक दूसरा केस बन गया दूसरा केस भी हमने देखा कि ट्रायंगुलर इनक्वालिटी का एक पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है तो थर्ड देख लें जी आपके पास केस इस, इसी तरह एक दूसरा केस भी आप इसका सब केस आप कह लें वो भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू इक्वल टू जेड ओके जी थर्ड पार्ट देखें थर्ड केस में हम कहते हैं जी कि इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जी तो इसमें क्या हो सकता है जी आपके पास तीनों इक्वल नहीं है तो डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई जेड और डी ऑफ जेड वाई ये सब इक्वल टू वन होंगे जब भी डिस्टिंग पॉइंट्स होंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन डिस्टिंग पॉइंट्स के लिए हमेशा आंसर उनके डिस्टेंस फंक्शन का वैल्यू वन होगी तो देखें जी अब इसके लिए वन इम्प्लाई कर दें तो देर फोर वन इम्प्लाई क्या जाएगा जी लेफ्ट साइड पे डी ऑफ एक्स वाई है तो डी नोट ऑफ डी नॉट ऑफ एक्स वाई वन लेस देन वन प्लस वन डी नोट एक्स वाई वन ये भी वन ये भी वन क्योंकि तीनों अनइक्वल पॉइंट्स हैं तो अब देखें जी आपके पास तीनों केसेस में जो रिजल्ट आया उसमें इक्वलिटी भी आ गई और लेस देन का भी साइन आ गया तो अब लिखते हैं आप ऑन कंबाइनिंग ऑल थ्री केसेस तो देयरफॉर फोर आपके पास क्या बनेगा जी डी नॉट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू तो डी नॉट ऑफ एक्स जेड प्लस डी नॉट ऑफ जेड वाई तो ये ट्राइंगर इनक्वालिटी भी आपकी प्रूफ हो गई तो इट मीन्स के अब आपका देख सकते हैं कि कोई भी नॉन एम सेट है उसके ऊपर आप उनके इन पॉइंट्स के इन बिटवीन या उसके एलिमेंट्स के इन बिटवीन इस सेंस में एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें तो हमेशा वो नॉन एम्प्टी सेट कोई भी ऑर्बिटेरियम नॉन एम्प्टी सेट एक मीट्रिक स्पेस आ, बन सकता है स्ट्रक्चर उसको दिया जा सकता है और ये आपके मेट्रिक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके आ, आपने किसी भी कोई अपना थ्योरम हो या कोई भी आपकी आगे प्रिंसिपल आएगा सब्जेक्ट का उसको इस मेट्रिक स्पेस के थ्रू उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करना बहुत आसान होता है और ये सिंपल है आपकी बहुत सिंपल मैट्रिक्स बेस है और इसकी बेस पर बहुत सी आपकी काउंटर एग्जाम्पल्स भी क्रिएट होती हैं बहुत से आइडियाज़ के अंदर तो फुल कि हम आइंदा भी इसको देखते रहेंगे